इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, तो ये होगा कांटेदार मुकाबला मेरे भाई, लेकिन मैच होगा सुबह 6 बजे। सुबह उठिए, मैच कैश करिए और तगड़ा मैच होगा, दोनों तरफ रेट आएगा। ये आपको ट्रेडिंग तो जरूर करवा के देगा, कहीं से भी खा लीजिएगा, एक लिमिट आपका ओन हो जाएगा। देखिए अब बता देता हूँ, यहाँ पे इंग्लैंड फेवरेट है 98-99, यानी बोल दीजिए 97 बहुत लगा हुआ है। और ये पहली बार आपको वर्ल्ड कप में अभी तक जितने मैचेज हो गए, ये 42वां मैच है, तो उसमें पहली बार ऐसा रेट खुल रहा है, ठीक है। तो मार्केट कंफ्यूज है किसको फेवरेट रखे और कौन इस मैच को जीत सकती है। जब भी 97 बोथ का रेट खुले तो समझिए कि मार्केट कंफ्यूज है। और इसी कंफ्यूज मार्केट में से ये भी आ रहा है कि 40% इंग्लैंड फेवरेट है और 60% यहाँ पे हाउस बोल रहा है या विन प्रोबेबिलिटी बोल रही है कि वेस्ट इंडीज़ इस मैच को जीत सकती है। वेस्ट इंडीज़ अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है लेकिन फेवरेट नहीं खुल रही है, ये भी एक व्यंगी है। बाकी यहाँ पे अगर बात किया जाए तो वेस्ट इंडीज़ नेक्स्ट लेवल गेम खेल रही है, सभी इनके प्लेयर्स कोई ना कोई कभी ना कभी कोप अप करके दे रहा है। उस दिन अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ देखा जाए तो नीचे सेरफेन रदरफोर्ड ने परफॉर्म करके दिया, निकोलस पुडन ने परफॉर्म करके दिया, ब्रेंडन किंग थोड़ा मिस आउट कर रहे हैं लेकिन फॉर्म में, साउथ अफ्रीका सीरीज में फॉर्म में थे। ओवरऑल टीम अच्छा कर रही है, बॉलिंग बढ़िया कर रही है, बॉलिंग बढ़िया करना ही पड़ेगा क्योंकि इंग्लैंड जैसी टीम के विरुद्ध मैच है। तो ये होगा असली टेस्ट। अफगानिस्तान के विरुद्ध सबको लग रहा था वेस्ट इंडीज़ हार जाएगी लेकिन वेस्ट इंडीज़ जीती मेरे भाई, और हमने भी वेस्ट इंडीज़ दिया, उसमें रेट ही नहीं आया, 70 पैसा से डेड एंट्री मैच हो गया। अब देखिए इंग्लैंड भी जैसा मैच खेल के आ रही, काफ़ी डोमिनेट की और वर्ल्ड कप में इनका डोमिनेशन अलग ही देखने को मिलता है। और वेस्ट इंडीज़ भी इंग्लैंड पर हमेशा भारी पड़ती है, आपको पता ही होगा वो वाला वर्ल्ड कप जहाँ पे 3 छक्का लगातार कार्लोस बेसफेट ने मार के मैच निकाल दिया था, फाइनल हरा दिया था। तो बदला हमेशा रहता है और वेस्ट इंडीज़ थोड़ा ऊपर ही रहती है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड, खास करके वर्ल्ड कप में। और वेस्ट इंडीज़ में भी जितना ज़्यादा मैच इंग्लैंड ने खेला है वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध T20 कोई नहीं खेला, तो मैच बहुत शानदार होगा। अब देखिए वेन्यू क्या है, डेरेन सेमी, ये सबसे बढ़िया वेन्यू है वेस्ट इंडीज़ में, जितने भी मैचेस हुए उसमें सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेज यहीं पे हुआ है। तो आप एक्सपेक्ट करिए कि फर्स्ट बैट को यहाँ पे एडवांटेज रहता है, फर्स्ट बैट करने वाली टीम बड़ा से बड़ा स्कोर खड़ा कर देती है और फिर बैकफुट पे ढकेल देती है दूसरी टीम को, क्योंकि वो अंडर प्रेशर चल जाता है हाई स्कोरिंग चेज में। बाकी बॉल यहाँ पे स्पिन हल्का फुल्का देखने को मिलता है, ये थोड़ा नेचर में ही रहेगा, वो पूरे वेस्ट इंडीज़ के जितने भी वेन्यूज है उसमें होगा। सेशन आपको यस करके चलना है, वो बेटर रहने वाला है। चलिए आपको पता चल गया कौन सी टीम जीतेगी, सेशंस कैसे खेलने हैं और आपको टीम में एंट्री लेना है, कमाना है, प्रॉफिट बनाना है। सुबह उठिए और कैच करिए जैकपॉट को, ठीक है। 6 बजे मैच है। अब देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए इसको स्कैन करके, और 7428525767 पे कांटेक्ट करिए मैच और सेशन के लिए। मैच और सेशन में अगर आपको दिक्कत हो रहा है कौन सी टीम जीतेगी हारेगी नहीं समझ में आ रहा, तो टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन करिए, डेमो के तौर पर मैच वहाँ पे आता है, सेशन भी आता है। यस कर रहे हैं, नॉट हो रहा है, नॉट कर रहे हो, यस हो रहा है, टेंशन मत लो, जो बोल रहा है उसको फॉलो करो। देखिए हर वीडियो के नीचे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता ही है, क्लिक करो वहाँ पे, खोलो जाके और टेलीग्राम को ज्वाइन करो, फायदा उठाओ मैच और सेशन का। पहले से जुड़े होते तो लॉस होता ही नहीं मेरे भाई। अभी भी अब नॉकआउट स्टेज कल से ही मतलब सुबह से शुरू होने वाला है, जो मेन मैचेज स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसको तो मिस करिए ही मत आप लोग। देखिए 28 डिग्री टेम्परेचर, चांसेस हो रहे हैं निगेटिव ह्यूमिडिटी, 79% 80% के करीब करीब ह्यूमिडिटी है, तो ड्यू फैक्टर तो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग से ही प्रिवेल करने लगता है। इंस्टेड यहाँ पे फर्स्ट बैट करने वाली टीम को ज़्यादातर मैचेज जीतते हैं, जीतते हुए देखने को मिलता है वेस्ट इंडीज़ नेशन में, तो फर्स्ट बैट को एडवांटेज पूरा रहेगा। बाकी सबसे अच्छा बैटिंग सरफेस डेरेन सेमी का ही है अभी तक जितने भी मैचेज देखने को मिले हैं। 21 मैच हुआ, 11 बार फर्स्ट बैट, 10 बार सेकंड बैट, और यहाँ देखिए 170 के करीब करीब एवरेज फर्स्ट इनिंग दिखा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन इतना अगर दोनों स्ट्रॉन्ग टीम के बीच में मैच है तो 200 प्लस का यहाँ पे टारगेट कोई भी टीम अगर बैट कर रही है उसको मारना पड़ेगा, एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करने के लिए, नहीं तो उसके चांस होंगे चेज होने के बहुत ज़्यादा, ठीक है। 218 देखिए वेस्ट इंडीज़ लास्ट मैच का ही है और 105 लोएस्ट इन्हीं का है, 150 से नीचे 7 बार, 152-169 4 बार, 172-189 4 बार, और 160 अब भी 6 बार लग चुका है। देखिए लास्ट में 218 यहाँ पे वेस्ट इंडीज़, और उसके बाद यहाँ पे तो बैकबोन ही तोड़ के रख दिया, बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त किया वेस्ट इंडीज़ ने, 4 विकेट जो 5 में से 4 विकेट पेसर्स, 10 में से 5 विकेट पेसर्स, 4 विकेट स्पिनर्स, तो स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में विकेट मिला, मतलब स्पिनर्स को मदद है। फिर देखिए एक और हाई स्कोरिंग मैच 201 यहाँ पे श्रीलंका, नीदरलैंड को फ्लैट डेक कर दिया, मतलब फर्स्ट बैट करने वाली टीम यहाँ पे खेल रही है, बड़ा स्कोर मार रही है और फिर वो डिफेंड हो जा रहा है। 6 में से 4 विकेट पेसर, 2 विकेट स्पिनर्स, 6 विकेट पेसर, 3 विकेट स्पिनर्स, ठीक है। अब देखिए स्कॉटलैंड का मैच भी 180 और उसको 186 रन मार के ऑस्ट्रेलिया चेज कर, 50 पैसे का यहाँ भी घोड़ा उड़ा। तो हर मैच में यहाँ पे अगर देखा जाए बड़ा छोटा के बीच में मैच हुआ है तो घोड़ा उड़ा है या तो एक तरफा हो गया, यही देखने को मिला है सरफेस पे। 2 विकेट पेसर्स, 3 विकेट स्पिनर्स, 3 विकेट पेसर्स, 2 विकेट स्पिनर्स, 24 विकेट पेसर्स के पास और यहाँ पे 14 विकेट स्पिनर्स के पास है मेरे भाई। तो देख सकते हैं यहाँ पे फास्टर पेसर दोनों को मदद है, फास्टर्स ऐसे भी कोई भी सर्फेस हो ज़्यादा विकेट निकालते हैं क्योंकि ज़्यादा ओवर्स फेंकता है। अब देखिए टोटल 29 मैच हुआ है, 12 देखिए इंग्लैंड जीती है, 17 वेस्ट इंडीज़। आपको लग रहा होगा इंग्लैंड क्या टीम ही है, लेकिन इंग्लैंड से ज़्यादा डोमिनेशन वेस्ट इंडीज़ का इन T20 और खास करके अपने होम ग्राउंड पे भी। डेरेन सेमी भी एक मैच खेली है,
और वो मैच इंग्लैंड जीती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज रहने वाला है। बाकी लास्ट पांच मैच में तो दो जीती है इंग्लैंड, तीन जीती है वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज यहाँ पे अपर हैंड रख रही है इंग्लैंड से ऊपर। लास्ट फाइव गेम देखिए तो वेस्ट इंडीज अनबीटेबल आ रही है, वहीं इंग्लैंड का विन विन लॉस ऑस्ट्रेलिया से फिर विन विन, तो ये चार जीती है, ये पाँच का पाँच जीती है, तो वेस्ट इंडीज़ अलग ही मोराल में है भाई, और बहुत मतलब हर टाइप के मैचेस खेल के आई है और जीतते हुए आई है। यहाँ पे कोई नहीं सोच रहा था कि न्यूजीलैंड के विरुद्ध वेस्ट इंडीज़ जीतेगी, हमने वेस्ट इंडीज़ 10 पैसा का घोड़ा उड़वा के दिया। लास्ट 10 मैच देखिए तो 6 जीती है, 164 एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर, 267 हाईएस्ट और 50 लोएस्ट है। इधर देखिए तो 90 मैच मतलब 10 में से 9 मैच ये जीत के आ रही है वेस्ट इंडीज़, एवरेज भी काफ़ी हाई 190 का, 257 हाईएस्ट और 137 लोएस्ट है। अब देखिए इंग्लैंड का इस वेन्यू पे 3 मैच खेली और तीनों जीती है, तो इंग्लैंड अनबीटेबल ट्रैक से आ रही है और वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध ही खेली होगी। मैंने बोला ना सबसे ज़्यादा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ ही खेलते हैं एक दूसरे में टी20 और भी कैरेबियन नेशंस में। 148 एवरेज है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्ट्रगल रहा था, लेकिन अभी सरफेस अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है। और देखिए 161 ही हाईएस्ट है, 132 लोएस्ट है। 10 मैच खेली, ये भी 6 जीती है, 165 इनका एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर है, 218 इनका हाईएस्ट और 105 इनका लोएस्ट है, तो थोड़ा सा बेटर इनका एवरेज तो अच्छा देखने को मिल रहा है। और अच्छा एवरेज के साथ साथ मैच को जीतना है, क्योंकि यहाँ पे हारी ही नहीं है इंग्लैंड कभी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इनिंग में 55, 80, 125 और 165, लास्ट मैच में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया 90 प्लस रन मार के 6 ओवर में वेस्ट इंडीज़ ने, तो इस हिसाब से आप सेशन खेल सकते हैं, पास होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि दोनों ही टीम वहाँ पर विस्फोटक बैटिंग करेगी करेगी। इंग्लैंड का देखिए तो जॉस बटलर, फिलिप सॉल, जॉनी बेस्टो, हैडी ब्रुक, मोइन अली, सैम करन, लियम लिविंगस्टोन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और डी स्टॉकली। इधर देखा जाए तो ब्रैंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पुडन, शे होप, रॉबिन पॉवेल, सेरफेन रदरफोर्ड, आंद्रे रसल, जाडी जोसफ, अकील हुसैन, ओवेन मैकवाय और गुदाकेश मुटी, तो ये वेस्ट इंडीज़ का प्लेइंग 11 हो सकता है। बाकी पॉसिबल चेंजेस के चांस कम है दोनों ही टीम से। इधर फिलिप सॉल्ट का बात है, 11-12, 37-45-13, देखिए अब थोड़ा अच्छा सर्विस है, ये खेल सकता है फॉर्म में भी, इसको कैप्टन आप बना सकते हैं। जॉस बटलर का भी लास्ट मैच मिस आउट है, 0-24-42-39-84, ये भी फॉर्म में, ये भी अच्छा ऑप्शन है, 16-25-4-10-56-1-0-1-2-0। मोइन अली भी अच्छे फॉर्म में, बहुत बैटन बॉल्स है। बाकी जॉनी बेस्टो 31-8-7-18-28-21, सैम करन लास्ट मैच खेला था 63-22-7-26-20-0-2-1-1-0, ठीक है। अब हैरी ब्रुक का देखा जाए तो 47-20-17-1-7, लास्ट मैच में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देने का। लियम लिविंगस्टोन का 13-15-2-0-6-1-2-1-0-2, लिविंगस्टोन से अच्छा ऑप्शन अगर बात किया जाए तो हैरी ब्रुक ही रहने वाले हैं, 1-2-0-1-1। क्रिस जॉर्डन थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जा रहा है, इससे बहुत बेटर ऑप्शन हमारे पास जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड का, 1-3-1-0-1, जोफ्रा आर्चर हमेशा बेस्ट रहेगा, और रीस टोपली 0-0-3-1-0, आदिल रशीद 0-4-1-0-2, हो सकता है सैम करन के जगह यहाँ पे आप मार्क वुड खेलेंगे और बेस्ट ऑप्शन वही रहने वाले हैं। जॉनसन चार्ल्स के बाद 43-0-44-0-40, देखिए एक मैच चल रहा है एक मैच नहीं चल रहा है, तो ये थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट इनका रहता ही है, 7-9-13-34-44, थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म हो गया वर्ल्ड कप में आते आते, उससे पहले फॉर्म इनका ठीक ठाक था। निकोलस पुडन 98-17-22-97-25, मैंने बोला था कि लास्ट चार इनिंग का लग रहा बड़ा खेल सकते, सरफेस अच्छा मिला, मारा इन्होंने, ठीक है। अब देखिए रोमन पॉल 26-1-23-15-52, पॉवेल का भी ठीक है, फिनिश कर सकता है, सेहो 25-14-38-29-1, देखिए यही कंटिन्यू करेगा, लास्ट मैच में आया गया है रॉस्टन चेस के जगह, ये खेलेंगे भी। आंद्रे रसल 3-14-13-30-15-24-1-1-1-2-3, बैट से नहीं तो बॉल से आंद्रे रसल कंट्रीब्यूट करके देता ही है, और इनका बहुत अच्छा फॉर्म रहता है इंग्लैंड के विरुद्ध जब भी खेला है। सेरफेन रदरफोर्ड 1-68-22-47, इसको तो भूल ही नहीं सकते, ये नहीं आता तो मैच ही नहीं जीत पाती, बाकी बॉलिंग से कराया नहीं जा रहा है। 3-1-3-0-2, वो भी डोमेको है, बहुत एक्सपीरियंस है और अच्छा बॉलिंग के लास्ट मैच में। बाकी अलजाड़ी जोसफ यहाँ पे 1-4-2-2-2, इंग्लैंड वाले इनको बहुत थूटते हैं, इससे बेटर ऑप्शन ओबेड ही रहने वाला है, आप उनके साथ जा सकते हैं। बाकी अकील हुसैन 2-1-5-1-1, अकील हुसैन का भी नेक्स्ट लेवल फॉर्म चल रहा है, लास्ट अगर बात किया जाए तो 9 विकेट इनके पास है अभी तक टी20 वर्ल्ड कप में, 2-3-1-1-2। गुदाकेश मुटी भी बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाले हैं, रन कम देते हैं और बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं इस साल। इधर देखिए जॉस बटलर, जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पुडन, फिलिप सॉल, जॉनी बेस्टो के साथ यहाँ पे आंद्रे रसल, मोइन अली, आदिल रशीद, अकील हुसैन, अलजाड़ी जोसफ और जोफ्रा आर्चर। कैप्टन यहाँ पे आंद्रे रसल, वाइस कैप्टन निकोलस पुडन, या फिर फिलिप सॉल्ट को एक बार ट्राई कर सकते हैं, फॉर्म दिख रहा है, 2-3 मैच से चले नहीं है, कम प्लेयर कम लोग पिक करेगा तो एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे आप ड्रीम इलेवन की अपडेटेड टीम चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन करिए फ्री में, बहुत अच्छा टीम आ रहा है। 7-4-2-8-5-2-5-7-6-7 मैच और सेशन के लिए कॉन्टैक्ट करिए, और मैच और सेशन का भी टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर सकते हैं डेमो के लिए। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।